और अगर बात करें इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज की तो वो है आसिफ दिलशाद ग्राउंड जो यहाँ पे जिसमें आप खेल रहे हैं जिसको अभी हमने शुरू किया है यही दो टूर्नामेंट इसमें हुए। आगे इसके लिए क्या कुछ करना है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। और इसको स्टेट के बड़े स्टेडियमों के साथ कंपेयर करने के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है, तो उसमें मेरी कोशिश है हम इसको स्टेट लेवल तक एक अच्छा स्टेडियम बनाए ताकि जम्मू और श्रीनगर में स्टेडियम है उनके साथ इसका भी कंपेयर हो। और यहाँ पर बाहर के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ पे आए और अपने खेल का यहाँ पे मुजाहरा करें और उनको देख के हमारे जो अपने एरिया के जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स के साथ दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वो भी उनके साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर और अपने टैलेंट को जो है बाहर ला के आगे। हमारी कोशिश है कि हमारे इस बनिहाल क्या पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट से हमारे नौजवान जो स्पोर्ट्स के साथ दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मगर उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की है। आप लोगों की दुआ होनी चाहिए, हम इसको एक अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे और आपको खेलने में भी यहाँ पे अच्छा दिल करेगा। और मुझे लग रहा है कि जो आपके अंदर जो भी हुनर है उसको बाहर लाने में स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी अहम रोल होगा। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपके साथ, इसके अलावा हम एक और स्टेडियम जो है नागनी नावन में उसको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार मैंने कहा, मेरी बात को सारे लाइटली लेते हैं। यहाँ पर भी जब हमने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त भी लोग इसके तरह तरह के मजाक उड़ा रहे थे, तो प्रैक्टिकली हमने इसको साबित कर दिया और इंशाल्लाह ये अच्छा स्टेडियम होगा। दूसरा जो हमने हायर सेकेंडरी की बात की, वाइज हायर सेकेंडरी में जहाँ आज तक आप लोग खेलते आए,